देश में और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना की स्थिति बनी है उसको देखते हुए हमें दिल्ली में आज से लॉकडाउन चालू करना पड़ा। आज सुबह 6 बजे से दिल्ली में सभी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई गई है, केवल एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। सब लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए, इन चीज़ों को जो लोग सप्लाई करते हैं वो लोग अपने घर से निकलेंगे और वो अपनी दुकान चलाएंगे, या ट्रांसपोर्ट अगर सब्जियों का या करना है, या मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ खाने की या दवाइयों की या उसके लिए। और जो लोग मान लीजिए खरीदने के लिए जाना है तो वो लोग निकलेंगे, बाकी लोग घर में रहेंगे। ये आज सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया। बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हमने देखा फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लें कि हमें ये क्यों करना पड़ा, हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है आप सब लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने की। ये इसलिए कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, आपके परिवार की सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, पूरी दुनिया में फैल चुका है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा चुका है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि किस तरह से दुनिया के कई ऐसे शहरों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। ये वायरस नया वायरस है, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। इसीलिए हमारी किस्मत अच्छी है, ऊपर वाले की कृपा है कि भारत में ये वायरस थोड़ा लेट आया, तो दूसरे देशों में इस वायरस से क्या-क्या समस्याएं हुई, दूसरे देशों ने इस वायरस से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। और उससे सीख के हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए हैं, और अगर हम उनसे नहीं सीखेंगे तो फिर हमसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। एक चीज़ तो ये साफ दिख रही है कि ये वायरस फैलता बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर इसको रोकने के लिए सख्त कदम ना उठाए जाएं तो कुछ दिनों के अंदर ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इटली में आज से 1 महीना पहले 23 फरवरी को इटली में केवल 100 केस थे, केवल 100 केस, और आज इटली में 40,000 से ज़्यादा केस हैं 1 महीने में, केवल 1 महीने में 40,000 से ज़्यादा केस हैं इटली में, और 5,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है इटली में 1 महीने में। इतनी तेज़ी से फैलता है ये। अमेरिका में 29 फरवरी को केवल 68 केस थे और एक आदमी की मौत हुई थी 29 फरवरी तक। आज अमेरिका में 35,000 से ज्यादा केस हैं और 418 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोई ये ना सोचे कि मेरे को नहीं होने वाला, ये किसी को भी हो सकता है। ये वायरस ना आदमी देखता ना औरत देखता, ये वायरस ना अमीर देखता ना गरीब देखता, ये वायरस कुछ नहीं देखता। इतनी तेजी से ये वायरस फैलता है, इसको फैलने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में थोड़े दिन बैठा जाए और इसके फैलने की जो चेन है इसको बंद किया जाए। और इसीलिए हम लोगों को ये लॉकडाउन करना पड़ा। आज दिल्ली में 30 केस हुए हैं टोटल अभी तक। इन 30 केसेस में से 23 केस ऐसे हैं जो विदेशों से आए थे, लोग बाहर से आए थे, वो वहां से लेके आए थे। इन 23 लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर 7 लोगों को और किया है, 7 लोगों को फैलाया है, 30 लोग हुए। तो अभी ये देख के लगता है कि दिल्ली की स्थिति मोटे मोटे तौर पे कंट्रोल में है, अच्छी बात है, लेकिन अभी पीठ थपथपाने की बात नहीं है, अभी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। मान लो आज हम लॉकडाउन नहीं करते, मान लो इसको कंट्रोल नहीं करते, मान लो ये फैल जाता है,
अगर आज से कुछ दिन के बाद दिल्ली के अंदर मान लीजिए 15-20 हज़ार केस हो गए, हमारे अस्पतालों के अंदर इतनी जगह नहीं होगी, दिल्ली के सारे बेड कम पड़ जाएंगे। और अगर ये इतने ज़्यादा फैल गए तो एक तरफ तो कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा, इसको कंट्रोल फिर लॉकडाउन कर तब भी लॉकडाउन करना पड़ेगा, तब लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद जब अस्पतालों के अंदर इतने बेड ही नहीं बचेंगे तो आप सोचो फिर लोगों को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा और लोगों की कितनी मौत हो सकती है। इसीलिए ये लॉकडाउन करना पड़ रहा है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए, सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है, आपका साथ चाहिए। अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ, हो सकता है आपके कुछ बहुत ज़रूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कोरोना ना हो, और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले। इसके लिए हम सख्ती करें तो आप बुरा मत मानिएगा। दूसरी चीज, इस दौरान गरीबों को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। गरीब लोग जो रोजी रोटी रोज कमाते थे और खाते थे, उन लोगों को बहुत मार पड़ रही है, हम देख रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आने वाले समय में और भी जो कदम उठाने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि एक तरफ आपको कोरोना से बचाएं और दूसरी तरफ आप भुखमरी से मर जाएं। तो एक तो मैंने ऐलान भी किया था, 72 लाख लोगों को दिल्ली में हर व्यक्ति को 7.5 किलो गेहूं या चावल या मिक्स जो भी है, 7.5 किलो राशन हर व्यक्ति को 72 लाख लोगों को दे रहे हैं, फ्री में देंगे राशन। दूसरा, 8.5 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को और हैंडीकैप्ड को हम 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये पेंशन उनको दे रहे हैं, कुछ लोगों को 4 हज़ार, कुछ लोगों को 5 हज़ार। एक जितने हमारे रैन बसेरे हैं, नाइट शेल्टर्स हैं, इसमें हमने लंच और डिनर का इंतजाम कर दिया है, खाने का। जिसको भी अगर कभी दिक्कत हो खाने की, अगर उनके घर में कमी है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि 72 लाख लोगों को घर में अगर राशन पहुँच जाएगा तो उनको नहीं लगता मुझे कि खाने की दिक्कत होनी चाहिए। और ये 72 लाख लोगों को 31 तारीख 30 मार्च तक राशन की दुकानों में पहुँच जाएगा। आप लोग अपना अपना राशन कार्ड दिखा के आप लोग लेके आ सकते हैं। 8.5 लाख लोगों को 5 हज़ार रुपये पेंशन उनके अकाउंट में 7 अप्रैल तक चली जाएगी, तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। नाइट शेल्टर्स में ऑलरेडी हमने इंतजाम कर दिया है और सुबह शाम खाना मिलना चालू हो गया है, आप 2 टाइम जाके वहाँ पे, जिसको भी ज़रूरत हो जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं। इसके अलावा हमें मिड डे मील बंद करनी पड़ी थी, हमें आंगनवाड़ी बंद करनी पड़ी थी, उन बच्चों के घर अब हम पैकेट्स में खाना भेज देंगे। हम नहीं चाहते कि कहीं लोग इकट्ठे हों और उस वजह से। तो मुझे लगता है कि इससे सभी मोटे मोटे तौर पे जितने भी गरीब हैं उन गरीब लोगों को इससे मदद मिलेगी। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम मदद करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं। हमें सबका साथ चाहिए, सब लोगों का, पूरे समाज को और पूरी सरकार को, सब लोगों को मिलके अभी काम करना पड़ेगा। इसी वक्त, यही वक्त है जब सारी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, सारी दुनिया खतरे में है, यही वक्त है अपनी इंसानियत दिखाने का, इंसान का इंसान के काम आने का। मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप जितने लोगों से हो सके, एक चीज़, किसी को भूखे मत मरने देना। भगवान ने आपको दिया है, भगवान ने अगर आपको पैसा दिया तो ये सोचना वो इसी दिन के लिए दिया था कि ऐसे दिन काम आएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने जान पहचान वालों को, जितने लोगों को इंश्योर करो कि कोई भी भूख से ना मरे। दूसरा, आपके जितने कर्मचारी हैं, आपके घर में आया काम करती है, ड्राइवर काम करता है, आपके कुक काम करते हैं, आपके घर में जितने लोग काम करते हैं, आपके दफ्तर में जितने लोग काम करते हैं, आपके फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, जितने मजदूर काम करते हैं, डेली वेजर काम करते हैं, कैजुअल लेबरर काम करते हैं, टेम्पोरेरी वाले काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, जितने ठेकेदारों के यहाँ ठेके पे कर्मचारी काम करते हैं, किसी की तनख्वाह मत काटना, बहुत पाप लगेगा। किसी की तनख्वाह मत काटना, सरकार भी सख्ती करेगी। किसी की तनख्वाह मत काटना, हो सके तो थोड़ा सा एडवांस दे देना उनको, ताकि उनके घर का गुजारा चल सके और वो इस दौरान घर में रह सकें।
किसी को भूखा मत मरने देना। और एक चीज, मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं, जितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और किराए पे रह रहे हैं, मकान मालिकों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि अगर वो किराया नहीं दे पा रहा तो वो किराया 1 महीने के लिए टाल दो। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, किस्तों में ले लेना उससे, लेकिन अभी लोगों की रोजी रोटी चली गई है, उनसे किराया मत लेना। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। एक तो कुछ लोगों ने पूछा है कि जी हम ये दवाई बनाते हैं, हम मास्क बनाते हैं, हम सैनिटाइज़र बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री है, तो क्या हम फैक्ट्री चला सकते हैं? मैं ये साफ़ कर दूं कि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली या मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले या मास्क बनाने वाले, सैनिटाइज़र बनाने वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये दुकानें भी खुलेंगी, इसका ट्रांसपोर्ट भी अलाउड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड है, ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है, इसके ऊपर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। खाने की चीज़ें, सब्जियाँ, दूध, दूध का ट्रांसपोर्ट भी होगा, जो जो किसान दूध निकाल के मिल्क के प्लांट्स में ले जाते हैं, मिल्क के प्लांट्स भी चलेंगे और दूध की बिक्री भी होगी। वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनकी दुकानें भी खुलेंगी, किसान सब्जियां मंडी में भी लेके जाएंगे, वहां से भी सब्जियां बिकेंगी, तो खाने पीने की और इसकी सारी चीज़ें जारी रहेंगी, इसके ऊपर किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक आज हमने सुना कि कई जगह अस्पतालों में जल बोर्ड के कर्मचारियों को, बिजली के कर्मचारियों को, एसेंशियल सर्विसेज वालों को दिक्कत आई क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट बहुत कम कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि अक्सर इस किस्म के कर्मचारी जो हैं वो बसों में ट्रैवल करते हैं। कल हमने इसको 25% कर दिया था बसों को, हम ये बढ़ा रहे हैं, कल से 50% बसें चलेंगी, खाली चलेंगी क्योंकि बाकी सब लोग तो कोई जाएंगे नहीं, खाली चलेंगी, लेकिन 50% बसें चलेंगी और उन पच मुझे लगता है उससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी और किसी को भी अपने घर से इन एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करके करने के लिए जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से मेरी आप लोगों से विनती है कि इसमें लॉकडाउन में आप साथ दीजिए, आप ही के लिए कर रहे हैं, अगर हम सारे जने मिलके 10 लोगों की भी जान बचा पाए तो मुझे लगता है कि हमारा ये सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।